राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है वायुमंडल संगठन एवं संरचना। वायुमंडल गैस का एक आवरण है जो भूपृष्ठ के ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी पर अधिकांश जीवन वायुमंडल की तली, जहां स्थल तथा महासागर मिलते हैं, पर मौजूद है। जीवन प्रक्रियाओं का अस्तित्व इससे जुड़ा हुआ है। मानव पर वायुमंडल का न केवल प्रत्यक्ष प्रभाव है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति, मृदा एवं स्थलाकृति के माध्यम से अप्रत्यक्ष भी। पर्यावरण के चार प्रमुख घटकों में से वायुमंडल सबसे अधिक गतिशील है, क्योंकि इसमें होने वाले परिवर्तन न केवल एक मौसम से दूसरे मौसम तक सीमित हैं, बल्कि एक बहुत छोटी अवधि अर्थात कुछ ही घंटों में हो जाते हैं। कुल वायुमंडल का 99% भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। वायुमंडल की उत्पत्ति। आज का वायुमंडल 5 अरब वर्ष पहले ठंडे कणों, मुख्य रूप से लोहे एवं मैग्नीशियम सिलिकेट, लोहे एवं ग्रेफाइट के अभिवृद्धि द्वारा शुरू हुए बहुत धीमे परिवर्तनों का परिणाम है। उस समय पृथ्वी इतनी छोटी थी कि यह हल्की गैसों के आद्य वायुमंडल को अपने से जोड़कर नहीं रख सकी। गुरुत्वाकर्षण विखंडन तथा रेडियोधर्मी क्षति से पृथ्वी गर्म हुई और इससे पृथ्वी के पदार्थों में भिन्नता आई, जिससे पृथ्वी के केंद्र में ठोस निकल लौह धातु निर्मित क्रोड, द्रव लौह सिलिकेट खोल, मेंटल तथा स्थल मंडल की रचना हुई। इस प्रक्रिया में गैस का निकास हुआ। जिससे एक नए वायुमंडल एवं जल मंडल की रचना हुई। इस प्रकार बना वायुमंडल मुक्त ऑक्सीजन से वंचित था, पर इसमें मीथेन 10 से 68%, अमोनिया 10 से 15%, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 60 से 70% जल वाष्प मौजूद थे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा
हाइड्रोजन के यौगिकों की उत्पत्ति ऊर्जा स्रोतों जैसे बिजली का चमकना, सौर विकिरण अथवा रेडियोधर्मी विसर्जन से हुई। तत्पश्चात मूसलाधार वर्षा शुरू हुई, लेकिन भूपृष्ठ पर आने से पहले ही वर्षा की बूंदें वाष्प में बदल गईं, क्योंकि उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी। वाष्पन एवं वर्षण की चक्राकार प्रक्रिया से पृथ्वी और ठंडी हुई। अंत में जब भूपर्पटी पर्याप्त ठंडी हो गई तो काफी लंबे समय तक चलने वाली मूसलाधार वर्षा से महासागरीय द्रोणियां भर गईं। कार्बन डाइऑक्साइड और भूपर्पटी के सिलिकेट के मध्य हुई प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोनेट का निर्माण हुआ। अतः कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे वायुमंडल से लुप्त हो गई। इस प्रकार 3 अरब वर्ष पहले अपने परिवेश में अणुओं पर निर्भर अवायवीय जैव रासायनिक जीव के रूप में जीवन प्रक्रिया आरंभ हुई। लगभग 2 अरब वर्ष पहले जैव विकास ने एक अन्य क्रांतिकारी कदम बढ़ाया। कुछ जीव अपने अस्तित्व की विधा को किण्वन एवं जैव रासायनिक संश्लेषण से प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की अधिक प्रभावी प्रक्रियाओं में बदलने में सफल हुए। इससे ऑक्सीजन का विमोचन तथा मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। जो जीव मुक्त ऑक्सीजन को सहन नहीं कर सके वे अधिक सक्षम श्वसन करने वाले जीवों द्वारा आंशिक रूप से हटा दिए गए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई। ओजोन ने पृथ्वी पर आने वाले पराबैंगनी विकिरण के विरुद्ध एक पर्दे या आवरण का काम किया तथा जैविक निक्षेप कोयले एवं तेल भंडारों के रूप में संचित होने लगे। इन सभी घटनाओं ने मौलिक रूप से पृथ्वी के भू रसायन को परिवर्तित कर दिया। इससे उन अधिकांश रासायनिक तत्वों के चक्रों का पुनः अभिविन्यास हुआ। इस प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल के संघटन ने वर्तमान रूप लिया। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्रा, आलेख M.N. कॉल तथा R.K. गंजू, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय कुमार, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।